और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में कोर्ट के देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएगी। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा, वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और अलग अलग जो पूजा पाठ चलती चली आ रही थी वही सारी पूजा पाठ। मूर्तियाँ बता दीजिए प्लीज। देखिए, वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ के लिए पुजारी भी तय करेंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी पूजा पाठ की। फैसला इस केस को कितना अहम, ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे राम मंदिर के केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के एम पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूँ। विश्व जी, ये बताइए, इसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसके पास क्या विकल्प खुले रह जाते हैं? देखिए, मैं दूसरे पक्ष का वही आइडिया नहीं हूँ, उनके पास क्या वकील था मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ और कोर्ट के ऑर्डर की क्या कहेंगे और फैसला आया है।